हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, अभी भाई लंच का टाइम हो गया है और भूख लग रही है अच्छे वाली। बट आज सब्जी बनी है आलू और बीन्स की, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खाऊंगी, थोड़ी सी खाऊं, क्योंकि हमें जो है ना सारी सब्जियां खानी चाहिए भाई। और कुछ सब्जी ऐसी होती हैं कि ना मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि चाहे भले थोड़ी खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पेट में जानी चाहिए, क्योंकि वैरायटी होनी बहुत जरूरी है वेजिटेबल्स में। और सब्जियों में ढेर सारा विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह होता है, तो चाहे हम थोड़ी खाएं, लेकिन हमें खानी जरूर चाहिए भाई। और अब हम नहीं खाएंगे तो भी हमारे बच्चे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सीखे तो हमसे हींगे ना तो ये चीजें हैं भाई, बच्चे हमसे ही सीखेंगे। तो और बेटे ने खा ली है, बेटे को अच्छी लगती है आलू और बीन्स, और मुझे कम पसंद है, तो कोई नहीं, साथ में लस्सी वगैरह ले लेंगे। और बेटे ने कर लिया है लंच, और हम भाई हो गए हैं नहा धो के अच्छे से रेडी। और बताना भाई, आज का मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? और ये देखिए, आज मैंने ब्लैक वियर किया है, मैं ब्लैक कमी डालती हूँ, तो बताना। और मेरा लाइट सा जो है मेकअप, लाइट डार्क जो भी है, बताना भाई कैसा है। जो भी ब्यूटीफुल लेडीज मेरी वीडियोस को देख रही हैं, तो प्लीज बताना कमेंट करके कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगता है। तो बस अभी मैं करूँगी लंच, और बेटे को मैंने कुछ काम से भेजा है, बेटा गया है शॉप पर, क्योंकि भाई इवनिंग में इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं ना, तो कारेंट वगैरह भी सब खत्म हो रखा है, तो एक दो सामान लेके आना था। तो बेटा गया है सोसाइटी में ही है शॉप वगैरह, तो वहाँ गया है। और गुड़िया को आप एज यूजल कर रही है मस्ती। और ये देखिए भाई, इसने भी है ना मेरी लिप बम लगा रखी है, मुझे देखे कहेगी मम्मा लिपस्टिक लिपस्टिक, और है ना इसने थोड़ी सी लिप बम लगा रखी है। आओ इधर, तो देखिए भाई ये देखिए, आओ गुड्डू, तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी गुड़िया को। गुड्डू ये देखो बाबू, आहा, गुड मॉर्निंग बोलो, मी कुछ तो बोल दो, मॉर्निंग आफ्टरनून। अच्छा आप मम्मा को क्या बोलते हो? मम्मा को क्या बोलते हो आप? गुड मॉर्निंग नहीं बोलते मम्मा को? इतना क्या करेंगे? अच्छा फ्रैंकीज दे दो, तो फ्रैंकीज दे दो, फ्रैंकीज दे दो। तो गाइज ये ना पूरी मतलब हो रखी है, और मैंने ना इसको थोड़ा सा डार्ट लगा दी लिपस्टिक के ऊपर, तो ऐसे ना मतलब मुझसे ना ऐसी नाराज हो रखी है। तो बस होता है छोटे बच्चे को कि हमें भी मम्मी लगा रही है तो हम भी लगाए ऐसे ऐसे करके, तो इसको हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं इसको डार्ट लगा रखी, इसे थोड़ी ना इरिटेट हो रखी है, और ना लग के और आराम से अपना खेल रही है। चले गाइज, अभी मैं कर लेती हूँ लंच, और फिर आज का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज वो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए होने वाली है स्पेशल। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज गाइज लाइक और शेयर देखना मत जाना, और कमेंट करके जरूर बताना मेरे आपको वीडियोस कैसी लग रही है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर जो है मुझे मोटिवेशन देगा, मुझे इंस्पिरेशन देगा आगे बढ़ने के लिए, और आपके लिए न्यू ढेर सारी वीडियोस लेके आने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए, तो मोटिवेशन मिलेगा, आगे मैं ग्रो करूंगी, तभी तो मेरे माइंड में भाई डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे कि मुझे अभी जो है ना अपने फ्रेंड्स को क्या दिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट हमें करते रहना चाहिए। तो मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट मैं लेके आऊँ, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग मुझे करेंगे सपोर्ट, और आप लोग मुझे मेरा देंगे साथ। तो चले भाई, आज क्या करते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज, और कर लेते हैं लंच, आज का शेड्यूल करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आ गए हैं किचन में, और भाई भूख लग रही है अच्छे वाली, तो चपाती मैंने ना आज नाने से पहले बना दी थी, क्योंकि है ना फिर काम ज्यादा फैल जाता है और भूख लग रही थी मुझे। तो ये देखिए भाई, और सब्जी भी है रेडी, लेकिन सब्जी मैं भाई बिल्कुल लूंगी मैं थोड़ी सी। ये देखिए आलू और बीन्स हैं, और हस्बैंड कह रहे थे बड़ी टेस्टी बनी है, बट मुझे नहीं अच्छी लगती। और ये मैंने लिया है सैलेड, और इसमें डाल लेते हैं भाई लस्सी, जो कि है मेरी ऑल टाइम फेवरेट। और सैलेड भी मैं थोड़ा सा ही लूंगी, ककड़ी वगैरह है, ओनियन वगैरह है, क्योंकि है ना एक्चुअली क्या है ना कि आज मेरा मन भी कम कर रहा है, और है ना मैंने मॉर्निंग में चाय वगैरह ले ली थी,
और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खा लिया था। गन्ने का जूस है ना निकालने का, फ्रेश निकलता है यहाँ सोसाइटी में ना, डेली हमारी बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं और डेली उनका टाइमिंग है 12 बजे के आसपास का। तो ना मैंने एक मीडियम ग्लास मैंने गन्ने के जूस का पी लिया था, तो वो पीने के बाद ना काफी अच्छा फील हुआ। तो अभी भूख भी नहीं लग रही और फिर अपन सभी यही खाएंगे। तो चलिए भाई आइए आपसे भी कर लीजिए लंच, क्योंकि लंच का हो गया है टाइम। मिलते हैं फिर एक छुट्टू से ब्रेक के बाद। तो लंच वगैरह हो गया है गाइस, तो चलिए भाई चलते हैं बाहर। और आज मैं ना कपड़े धो रही हूँ, तो कपड़े डाल के आऊंगी मशीन में। और गुड़िया को ना मैंने अंदर ही छोड़ दिया भाई, ग्रिल पर चढ़ती है तो डर लगता है। और ये देखिए हवा इतनी तेज चल पड़ी है आज। और ये देखिए मेरी मशीन का कवर वगैरह सब, ये देखिए भाई सब कैसे गिरा पड़ा है। कर देती हूँ ठीक, और चेक कर लेते हैं भाई कपड़े धुल गए हैं और बंद हो गई है मेरी मशीन देखिए। और अभी बस मैं सुखा लेती हूँ भाई कपड़े, गुड़िया चिल्ला रही है अंदर से। तो गाइस कपड़े सुखा देती हूँ भाई, और अभी ना मैंने वाइट धोए थे। तो गाइज डाल दिए हैं भाई कपड़े वगैरह और सुखा दिए हैं कुछ, और अब चलते हैं भाई अंदर और अंदर पिएंगे खाना। खाने को हो गई मेरी लंच की हो गया है मुझे आधा पौना घंटा। अभी पिएंगे भाई मसालेदार चाय और फिर उसके बाद भाई मैं रेडी करूँगी एक दो रील्स। और एक दो दिन से ना रील्स भी रेडी नहीं की है, और मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप मुझे कर सकते हैं, और फेसबुक का भी लिंक मैंने अभी डाला नहीं है, आज मैं डलवाती हूँ फेसबुक पर भी। फेसबुक का लिंक भी मैं आज डलवा दूँगी, और इंस्टाग्राम का ऑलरेडी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखने को मिलेगी मेरी अच्छी अच्छी सी रील्स। तो और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर। और चलिए भाई फिर चलते हैं अंदर और पीते हैं मसालेदार चाय। चाय हो गई है रेडी। तो अभी ले लेते हैं भाई चाय। तो गैस गुड़िया सो रही है भाई, और है ना उसके सोने के बाद थोड़ा सा मैं काम निपटाती हूँ अपना, जो मेरा फैला हुआ काम होता है ना। तो अभी भैया हमने बेडशीट वगैरह धोई थी, पूरा बेड मेरा फैला हुआ है। ये धुले हुए कपड़े हैं, कुछ प्रेस के कपड़े हैं, तो प्रेस के कपड़े मैं रख दूँगी अलमीरा में, और जो धुले हुए कपड़े हैं उनको रख दूँगी साइड में, और ये मैं कल मॉर्निंग में दूँगी प्रेस के। और ये देखिए पूरा बेड मेरा ये ना फैला पड़ा है, क्योंकि मैंने ना जिसकी बेडशीट धोई थी तो गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने धो दी, क्योंकि वीक में ना एक बार तो आपको धो देनी चाहिए, धूल मिट्टी तो ना आती ही है। तो अभी बस मैं सारे समेट देती हूँ घर। और ये देखिए भाई ये मैं आज बिछा रही हूँ, पीची कलर में है मेरी बेडशीट, जो काफ़ी सुंदर सी लगती है, और इस पर ना हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, तो हम लोग डेली यूज़ में ना अब इसको बिछा सकते हैं, कि ज़्यादा हैवी लुक में डेली यूज़ में ना बेडशीट्स बिछाई नहीं जाती। और ये बिल्कुल हल्की फुल्की सी है, लाइट एम्ब्रॉयडरी है, तो ये बिछा देती हूँ। तो ये देखिए भाई अब बस जल्दी जल्दी से ना, तब तक गुड़िया सो रही है ना, तो मेरे 2-3 काम हैं और मैं वो काम निपटा लूँगी, और ये कमरा करूँगी मैं अच्छे से भाई सेट, और बस जल्दी जल्दी ये भी कर लूँगी।
गाइस कमरा मेरा हो गया है सेट और अभी हो गया अभी पूजा का टाइम और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। माता रानी की जोत मैंने जगा दी है। आइए आप सभी भी ले लीजिए माता रानी का आशीर्वाद। और बस अभी गुड़िया के उठने से पहले मैं सारे काम कर दूँगी आज। अभी सो ही रही है गुड़िया। तो पूजा हो गई है भाई मेरी और अभी भाई इवनिंग का टाइम है ना, तो इवनिंग में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज अभी मैंने बेटे से ना ये कचौचाप मंगाए थे, ये आउटसाइड के लिए है, मैं अंदर नहीं लगाती ये, तो ये मैं बाहर लगाऊंगी गेट के बाहर। काफ़ी मच्छर हो जाते हैं ना इस टाइम पर। तो अभी ये ना कचौचाप मैं निकाल रही हूँ, पहले वाली मैंने निकाली थी उसमें से एक टूट गई थी। और ये ना इसके साथ ही स्टैंड मिलता है, तो ये जो बड़े वाली है ना ये मैं मेन एंट्रेंस पे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं और ना बहुत परेशान कर रहे हैं अभी कई दिन से। और ये जो बाकी की मैं उठा के अभी रख दूँगी, और जो छोटे वाली है वो मैं लगाऊँगी बालकनी की साइड में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।